थोड़ा जल्दी करोगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर विच इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ व्हाट, फिजिक्स। ओके, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग को, जैसा कि नाम देख रहा है, यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी व्हाट वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ओके, और दूसरा उसका डायमेंशन निकालना है। ओके, तो इसका मतलब क्या है ये सब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द क्वांटिटी विच इज यूनिट्स। तो देखो, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग जगह में अलग अलग यूनिट यूज होते हैं, है ना। यस, वर्ल्ड जो है इसमें इंडिया में अलग यूनिट है, के अमेरिका में अलग यूनिट है, के ऑस्ट्रेलिया में अलग यूनिट है, यस अफ्रीका में अलग यूनिट है ना, चाइना में अलग है। यस, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विल हैव डिफरेंट यूनिट्स, यस और नो। यस अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से रीजन में कौन सा यूनिट है? डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट यूनिट्स, ये कैसे डिसाइड होगा कौन से रीजन में कौन सा यूनिट है? तो इट डिपेंड्स ऑन द कल्चर। उस जगह का जो कल्चर है, उस जगह का जो लोग है, उस पर डिपेंड होगा। ये सब लोग डिसाइड करेंगे, वहां का कल्चर डिसाइड करेगा कि क्या यूनिट होगा, है ना। लोग यस डिसाइड करेंगे यूनिट और वहां के कल्चर के हिसाब से करेंगे। अब ये मैं क्यों बोल रहा है, जैसे सोचो इंडिया में हम लोग लेंथ के लिए एक यूनिट लेते हैं, लेंथ मापने के लिए, विच इज हाथ। क्या है हाथ? एक हाथ कपड़ा, दो हाथ कपड़ा, है ना। हाँ एक हाथ कपड़ा, दो हाथ कपड़ा, तीन हाथ कपड़ा, हाथ करके यूनिट होता है। अब देखो इंग्लैंड में जो यूनिट होता है, इंग्लैंड में लेंथ का, तो हाथ ना लेके वो लोग क्या लेते हैं? पैर। फुट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फुट। इंडिया में हाथ हिंदी में बोलेंगे, इंग्लैंड में फुट इंग्लिश में बोलेंगे, यस और नो? तो ये यूनिट तुमने सुना है, लेंथ का यूनिट फुट, लेंथ का यूनिट हाथ, है ना। यस सर, मीटर्स एंड यस फुट होता यस, तो ये सब सुना हुआ है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग यूनिट है, क्योंकि हमारे इधर कैसा कल्चर है कि हम लोग पैर से जमीन मापना, पैर से कपड़ा मापना, ये अच्छा नहीं लगता हम लोग को, है ना। पैर किसी चीज पे रखना हमें अच्छा नहीं लगता, हम लोग उसको रेस्पेक्ट देते हैं। जैसे बुक पे पैर नहीं रखेंगे हम लोग, झाड़ू पे पैर नहीं रखेंगे, बिकॉज वी कंसिडर ऑल दिस थिंग्स टू बी व्हाट, यस, हम लोग इसको क्या मानेंगे, वी कंसिडर देम इम्पोर्टेंट, कि बुक पे नहीं रखना है पैर, हाँ झाड़ू पे नहीं रखना है, यस। तो ऐसे सब हम लोग उनको एक तरह से गॉडली मान सकते हैं। झाड़ू को भी हम लोग क्या करते हैं? प्रे करते हैं, यस। यस तो उस तरह से, तो हमारे इधर अलग कल्चर है, तो हम लोग ने अलग यूनिट बनाया। इंग्लैंड में अलग कल्चर है, तो उन्होंने अलग यूनिट बनाया। तो ये डिफरेंट रीजन, डिफरेंट यूनिट्स के थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसा है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है अगर, तो इसमें प्रॉब्लम होता है। क्या होता है प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि जैसे सोचो हम लोग अगर महाराष्ट्र में ही गए, तो अलग अलग कोकण रीजन अलग है, नागपुर रीजन अलग है, अलग अलग रीजन है, तो हर एक अपना अपना यूनिट यूज करेगा, तो कितना प्रॉब्लम होगा अगर मैं एक जगह से दूसरे जगह हूं, मुझे उसका यूनिट ही समझ में नहीं आएगा, ये सॉरी। तो वर्ल्ड वाइड ऐसा ही हुआ कि समझाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स यूज हो रहे थे, तो ट्रेड करना मुश्किल हो गया। समझ में आ रहा है? ट्रेड करना क्या हो गया? मुश्किल। तो ट्रेड वॉज अ डिफिकल्ट एस्पेक्ट, बिकॉज इंडिया के लोगों को अमेरिका का नहीं समझेगा, और अमेरिका के लोगों को यूरोप का नहीं समझेगा, ऐसे सब प्रॉब्लम्स आने लग गया, तो ट्रेड डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं, है ना। जैसे एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे हम लोग, तो ट्रेड विल बी डिफिकल्ट। अब ये सब ना हो, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। क्या किया? सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट कौन बनाया और क्यों बनाया? क्यों बनाया तो वो समझ रहा है, क्योंकि सब अलग अलग यूनिट यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सब लोग एक ही यूनिट यूज करें, यस और नो? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ओके, वी आर ट्राइंग टू डिवाइस वन सिंगल यूनिफाइड सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। और उस सिस्टम का हम लोग क्या नाम देंगे? इंटरनेशनल सिस्टम। दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, हु आर द पर्सन्स हु विल डिसाइड व्हाट सिस्टम ऑफ यूनिट्स विल यूज? ऑफ कोर्स द मोस्ट पावरफुल पीपल, यस और नो? अच्छा पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल बी एबल टू डिसाइड। अब पावरफुल मतलब क्या? पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे क्या? नहीं। पावरफुल साइंस के यूनिट्स का बात कर रहे हैं, तो पावरफुल साइंटिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यस और नो? यस। यस तो
तो पावरफुल साइंटिस्ट कौन थे उस जमाने में? इंग्लैंड के. बिकॉज इफ यू नो इंग्लैंड वॉज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी यस और नो? यस. तो इंग्लैंड के साइंटिस्ट द मोस्ट पावरफुल साइंटिस्ट ऑफ इंग्लैंड दे डिसाइडेड दैट वी विल हैव अ वन सिंगल ऑफ यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट विच विल बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके. तो इंग्लैंड के साइंटिस्ट ने मीटिंग अरेंज किया. कहाँ पे किया? पेरिस में. कहाँ पे मीटिंग अरेंज हुआ? पेरिस में. पेरिस में क्यों अरेंज हुआ होगा? सोचो इंग्लैंड का कैपिटल क्या है? तो पेरिस में क्यों मीटिंग किया वो लोग ने? इस पेरिस में इसलिए मीटिंग किया. सोचो अगर मैं तुम पावरफुल साइंटिस्ट हो, मैं पावरफुल साइंटिस्ट हूँ, और हम लोग ने दो एग्जाम्पल लिया कि मुंबई में मीटिंग अरेंज करना है, मान लो गवर्नमेंट के खर्चे पे, ये सब गवर्नमेंट के खर्चे पे मीटिंग हुआ, मुंबई में मीटिंग अरेंज करना है या सिंगापुर में करना है, तो वेयर विल यू लाइक टू अरेंज द मीटिंग? सिंगापुर. सिंगापुर ऑफकोर्स. समझाइए, तो पावरफुल साइंटिस्ट भले इंग्लैंड के थे तो वो लोग लंदन में अरेंज करेंगे, पेरिस में अरेंज करेंगे, गवर्नमेंट के खर्चे पे. पेरिस, गवर्नमेंट पैसा देगा ना सबका, है ना? तो पेरिस में मीटिंग हुआ. कहाँ पे मीटिंग हुआ? पेरिस में. लंदन में नहीं हुआ. क्यों? जैसा कि तुमने बोला, मुंबई में हम लोग है मुंबई कर, लेकिन क्या हम भी कोशिश करेंगे सिंगापुर का गवर्नमेंट के खर्चे पे जाए अपन फ्री में? ये समझाइए. तो वो लोग ने भी पेरिस में मीटिंग किया. अब मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा है कि ये पेरिस में मीटिंग हुआ? क्योंकि देखो पेरिस मतलब कौन सा कैपिटल है? फ्रांस कंट्री का. इंग्लैंड मतलब लंदन. इंग्लैंड का कैपिटल क्या है? लंदन. यस. तो इंग्लैंड में हमारे पास फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है. कौन सा सिस्टम है? यस. और पेरिस में हमारे पास मतलब फ्रांस में कौन सा है? एमकेएस एंड सीजीएस. दो सिस्टम है. वी हैव टू सिस्टम्स इन फ्रांस. देयर वर टू सिस्टम्स, एमकेएस एंड सीजीएस. ओके. अब देखो ऐसा क्यों था? फ्रांस में दो सिस्टम और लंदन में एक ही सिस्टम, मतलब इंग्लैंड में एक ही सिस्टम. तो देखो दो सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा? सोचो अगर तुम सब्जी लेने गए, इफ यू गो फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, विल यू आस्क द वेजिटेबल्स इन केजी और ग्राम्स? किलोस, है ना? एक किलो सब्जी दे दो, दो किलो दे दो, पाव किलो दे दो, आधा किलो दे दो. यू विल ट्राई टू हैव अ बिगर यूनिट, केजी लाइक दिस. तो केजी हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग राइस लेने जाए, वीट लेने जाए, तो जो भी ग्रोसरी है मोस्टली हम लोग किसमें डील करते हैं? केजीस. पर जस्ट इनकेस अगर हम लोग सोना लेने गए, गोल्ड, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो वहां पे केजीस में बात करना अच्छा लगेगा? तो नहीं, इनकम टैक्स वाला आ जाएगा तुम्हारे पीछे. तो इसीलिए हम लोग वहां पे कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? ग्राम. तो इट मेक्स सेंस, है कि नहीं? दो सिस्टम होना सेंसफुल है, क्योंकि अगर हम लोग मान लो ग्रोसरी का चीज लेके जा रहे हैं तो केजी में बात करना चाहिए, सोना चांदी लेना जा रहे हैं, हीरा मोती लेने जा रहे हैं तो ग्राम्स में बात करना चाहिए, इस तरह से. क्या समझाए? तो ये अच्छा सिस्टम था फ्रांस का. पर इंग्लैंड में क्या था? FPS, फुट पाउंड सेकंड. फुट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट, है ना? जमीन का लेंथ मापना है तो फुट कन्वीनियंट होता है कि नहीं? आज भी अगर घर लेने जाते हैं हम लोग तो कितना फुट है हम लोग अपने पैर से चल के देखते हैं कि नहीं? 10 फुट बाय 10 फुट, है ना? अब तुमने तो घर लिया नहीं, लेकिन मम्मी डैडी जब जाएंगे, मम्मी डैडी जब लेके जाते हैं नया घर देखने के लिए, तो वो सामने वाला बोलता है हाँ ये 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का बाथरूम है, या 10 बाय 10 के बदले 20 बाय 20 स्क्वायर फीट का बेडरूम है, जो भी है. तो हम लोग कोशिश करते हैं अरे देख के सच्ची में है क्या, तो हम लोग चल के देखते हैं 10 फुट हो रहा है 20 फुट हो रहा है. इट इज वेरी कन्वीनियंट यूनिट फुट. और पाउंड इंग्लैंड में क्यों बोलते थे? उनका एक दिन का नाश्ता है वो, वन डे स्नैक. समझे? एक दिन का नाश्ता है वो, एक दिन के स्नैक. वहां पे स्नैक क्या होता है तुम्हें पता है? पाव रहता है मेनली, ब्रेड और पाव, है ना? यस. फॉरेनर्स मोस्टली क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, पाव खाते हैं, बर्गर वर्गर खाते हैं कि नहीं? उसके अंदर क्या है? पाव और ब्रेड, सैंडविच. यस और नो? तो फॉरेन में मोस्टली यही खाना है. तो एक दिन के लिए नाश्ता कितना बनेगा? तो एक पाउंड होता है. एक परिवार एक दिन में कितना नाश्ता खाता है? एक पाउंड. तो वजन है, वजन का यूनिट. वन पाउंड इज ऑलमोस्ट हाफ केजी. कितना है? ऑलमोस्ट कितना है? हाफ केजी. ओके. और सेकंड तो यूनिट ऑफ टाइम है, तो यहाँ भी है सब जगह. एमकेएस में भी सेकंड था, सीजीएस में भी सेकंड था, और एफपीएस में भी सेकंड. तो अब देखो फिर से मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता है. मीटिंग कहाँ हुआ था? पेरिस. तो किसका चलेगा? भले ये साइंटिस्ट इंग्लैंड के थे पर चलना किसका चाहिए पेरिस में मीटिंग हुआ तो? फ्रांस का. तो इसीलिए उन्होंने एमकेएस सिस्टम को अपना लिया. कौन से सिस्टम को अपनाया? एमकेएस. एमकेएस के.
तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम बनाया. क्या बनाया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसमें वो लोग ने सच्ची में कौन सा लिया? एमक्यूएस सिस्टम. मतलब क्या? मीटर, किलोग्राम, सेकंड. इज इट क्लियर? मीटर किसका यूनिट था? लेंथ. किलोग्राम किसका यूनिट है? मास. सेकंड किसका यूनिट है? टाइम. समझाइए. तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये यूनिट वो लोग ने अडॉप्ट कर लिया साइंटिस्ट ने. इज इट क्लियर? अब ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये मीटिंग कहाँ हुआ था जो इंटरनेशनल सिस्टम का यूनिट है वो? पेरिस. पेरिस मतलब कौन सा कंट्री है? उधर के लोग कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे? फ्रेंच. फ्रेंच. ओके. अब फ्रेंच लैंग्वेज तुमने पढ़ा है कभी? नहीं. नहीं. ओके. तो देखो मैंने भी नहीं पढ़ा. ओके. पर मैं जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी ऐसा नाम था, उस कंपनी का नाम ऐसा था, CGG. यस. इसका नाम ऐसे था, कॉम्पैग्नी जियोफिजिकी जनरली. स्पेलिंग का गारंटी नहीं है बट ऐसा स्पेल करते, उसको बोलते हैं ऐसा. कॉम्पैग्नी जियोफिजिकी जनरली. अब ये कोइंसिडेंटली कौन सा कंपनी था? फ्रेंच कंपनी. तो ये देखो इसका मतलब क्या है, मैं भी कंपनी छोड़ते छोड़ते समझा, 3 साल के बाद मेरे को समझा कि उसका मतलब है जनरल जियोफिजिकल कंपनी. क्या मतलब है? ऐसा नाम था उसका. अब ये देखो इसको हम लोग को GCC बोलना चाहिए या CGG बोलना चाहिए? GCC in English, but over there the yes. Grammar must be different. Yes, okay. तो इंग्लिश में तो हम लोग को GCC बोलना चाहिए, जनरल जियो फिजिकल कंपनी. GGC सॉरी, GGC बोलना चाहिए, जनरल जियो फिजिकल कंपनी. हाँ है ना? यस. ये इंग्लिश में हो गया जनरल जियो फिजिकल कंपनी. पर फ्रेंच लोग क्या करते हैं? उल्टा बोलते हैं. फ्रेंच लोग उल्टा बोलते हैं. तो वो लोग पहले क्या बोलेंगे? कंपनी. फिर क्या बोलेंगे? जियो फिजिकल. फिर क्या बोलेंगे? जनरल. तो वो लोग उल्टा बोलते हैं. समझे? अब उल्टा भी नहीं बोलते, उसके अलावा साथ साथ लास्ट में जो जो वर्ड है वो हटा के ई लगा देते हैं. वहां पे क्या लगा देते हैं? ई. पहले हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे? ई. जनरल हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे? जनरली. तो समझाइए. तो अब ये फ्रेंच लैंग्वेज हो गया कि नहीं? ये सब कंपैग्नी जियोफिजिकी जनरल. तो मैं ये सब क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो इंटरनेशनल सिस्टम ये इंग्लिश में बोलेंगे, तो इसको फ्रेंच लोग क्या बोलेंगे? यस. तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ही इंटरनेशनली. तो तुम किसी किसी बुक में ऐसा वर्ड देखोगे. इसका मतलब क्या? ये फ्रेंच बोल रहे हैं. फ्रांस में मीटिंग हुआ था ना ये. यस. समझे? तो सिस्टम ही इंटरनेशनल, इसको SI बोल देंगे. क्या बोल देंगे? SI. सिस्टम इंटरनेशनल. क्या बोल देंगे? सिस्टम इंटरनेशनल. इज इट अंडरस्टूड? तो इसीलिए हम लोग ये सब इंटरनेशनल सिस्टम को क्या बोलते हैं? SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम इंटरनेशनल, SI. यस. तो इसमें कौन से यूनिट्स से हम लोग देखते हैं? पहले तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या? वो क्वांटिटी जो मेजर कर सके. व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड. यस, क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड. लेंथ मेबी. यस, मेजर कर सकते वो सब क्वांटिटीज. जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. जैसे एग्जांपल बहुत सारा है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, बहुत सारा अलग अलग हो सकता है, करंट वरेंट जो भी है. और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? क्वांटिटीज विच कैनॉट बी मेजर. ये हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे. मेजर नहीं कर सकते वो फिजिक्स में पढ़ने का कोई मतलब है क्या? No. नहीं. क्वांटिटीज विच कैनॉट बी मेजर. कैन के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियर? इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो मेरे को? Cannot be measured like air. जोर से बोलो. Air. क्या? Air का क्वांटिटी एंड ऑल. जोर से बोलो. एक सेकंड, सो आई विल चेंज माय. यस, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, एंगर हो गया. जैसे प्यार करता है, मैं बहुत प्यार करता है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ मेजर कर सकते हैं कितना प्यार करता है?
नहीं मैं तुमसे बहुत नफरत करता है, कितना करता है, नहीं कर सकते कुछ मेजर। मैं तुमसे बहुत गुस्सा है, कितना गुस्सा, यस ऑल दीज आर इमोशंस, हैप्पीनेस, मैं तुमसे बहुत खुश है, कितना खुश है, नहीं बोल सकते। तो इमोशंस आर व्हाट, अनमेजरेबल, इमेजरेबल, ओके, तो दीज कम अंडर व्हाट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इज इट अंडरस्टूड? तो हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे या नॉन फिजिकल पढ़ेंगे फिजिक्स में? फिजिकल, फिजिकल, ओके। Yes, तो ये साइंटिस्ट लोग जो पेरिस में मिले, इन्होंने एक एक करके फिजिकल क्वांटिटी को वो लोग ने बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस उनको नाम दे दिया क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटी लिए जो कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यस, जैसा कि हम लोग जिंदगी में रोज लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो लेंथ, मास के बारे में बात करते, मेरा वजन बढ़ गया कम हो गया, टाइम के बारे में बात करते, टेम्परेचर के बारे में बात करते, बहुत गर्मी हो रहा है, बहुत ठंडी हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ना, यस, करंट थोड़ी देर जाएगा तो दिमाग खराब हो जाता है ना, यस, इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे रूम में बहुत लाइट है या कम लाइट है तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, यस, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी इम्पोर्टेंट, तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज विच वी नीड अवर इन अवर डे टू डे लाइफ। तो इन क्वांटिटीज को क्या बोल दिया, फंडामेंटल, यस। अब इनका जो सिंबल है ये भी हम लोग देख लेंगे, सिंबल, और इसका जो यूनिट है वो भी हम लोग देख लेंगे, और यूनिट का सिंबल है वो भी देख लेंगे, तो क्वांटिटी इनका ऐसा यूनिट, देखो लेंथ जो क्वांटिटी है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर्स, मीटर्स, चाहिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मीटर, मास का किलोग्राम्स, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला मतलब क्या, कैंडल, एक कैंडल जो लाइट देता है उसको क्या बोलते हैं, कैंडेला, okay. एक कैंडल जितना लाइट देगा उसको कैंडेला बोला, तो कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोल, सेवन। तो ये लोग ने डिस्कशन किया पेरिस में मीटिंग में, और इन्होंने बोला कि ये सात क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज विच वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। So these quantities they called as what, fundamental quantities. Okay. Now if you observe carefully, okay, careful observation से तुम्हें समझेगा कि I have marked K as capital and A as capital. These are capital alphabets. All others are small alphabets. Yes or no? हाँ sir. So what is the reason for this? Why are we doing this? Because Kelvin, ये यहाँ पे मैं लिख देता है, Kelvin. This is the name of scientist. किसका नाम है, एम्पियर एंड केल्विन बोथ आर साइंटिस्ट, साइंटिस्ट, और एम्पियर ये भी किसका नाम है, साइंटिस्ट। तो जब भी ह्यूमंस का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, तो हम लोग कैपिटल अल्फाबेट यूज करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट, क्लियर है? हाँ सर, यस, ओके, यस। तो ये ऐसा हम लोग का साइंटिस्ट का यूनिट है, ओके। तो जहां जहां साइंटिस्ट का नाम है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। अब देखो थोड़ा ध्यान देके, थोड़ा सा ये देखो, कभी कभार ये सब छोटा सा पॉइंट है, कोई ज्यादा इसमें बड़ा बात है नहीं, बट फिर भी कोई कोई इसको बहुत खींचता है, मैं सिर्फ सिंपल सा तुम्हें बता रहा हूं। देखो अगर मान लो केल्विन को तुम यूनिट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, तो केल्विन स्मोक क्या ऐसे लिखेंगे हम लोग, KELVI, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लो व्हाट इज द टेम्परेचर, 300 केल्विन, तो मैं ऐसा लिखेगा तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहा है, ये गलत है। मैं ऐसा लिख सकता है 300 केल्विन, मैं ऐसा भी लिख सकता है 300 K, दिस वन एंड दिस वन इज करेक्ट। मैं ऐसा लिख सकता है क्या, केल्विन्स, ये गलत हो जाएगा, प्लूरल नहीं डालने का, समझ में आ रहा है, प्लूरल नहीं डालने का, ये समझाइए। और छोटे अक्षर में पूरा नाम लिखा साइंटिस्ट का तो चलेगा यूनिट के फॉर्म में, है ना, जैसे एक स्टेटमेंट बताया मैंने तुम्हें, देखो एक स्टेटमेंट पे ध्यान दो, द यूनिट केल्विन is named after
साइंटिस्ट केल्विन, स्टेटमेंट पढ़ रही हो? हाँ ना। अब इसमें देखो ये भी केल्विन ये भी केल्विन दोनों नाउन हो जाएगा किन, लेकिन क्या है हम लोग यहाँ पे यूनिट केल्विन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखने का क्योंकि ये यूनिट है। अब यूनिट को रेस्पेक्ट देने का कोई मतलब है क्या? नो, नहीं। हम लोग को तो साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देना चाहिए कि नहीं? तो जब रेस्पेक्ट देना है तो हम लोग कैपिटल के लिखेंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि जब साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, साइंटिस्ट का नाम आ रहा है तो रेस्पेक्ट देना जरूरी। लेकिन क्या अगर तुम यूनिट लिख रहे हो घड़ी घड़ी, व्हाट इज द फोर्स? 300 न्यूटन। अब घड़ी घड़ी हम लोग उसके इसमें रेस्पेक्ट देंगे क्या साइंटिस्ट को न्यूटन ऐसा बोल के? नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल। और न्यूटन लिखेंगे क्या? नहीं, यस। या तो फिर ये लिखो या तो फिर ये लिखो, समझ में आया? दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रॉन्ग। केल्विन लिखना, न्यूटन लिखना और न्यूटन को कैपिटल में लिखना, ये सब गलत। क्लियर है? तो बाकी सब ये सब मास वास जो है ये सब तो थोड़ी मतलब कोई साइंटिस्ट का नाम है, मास किसी साइंटिस्ट का नाम है, किलोग्राम किसी साइंटिस्ट का नाम है, सेकंड किसी साइंटिस्ट का नाम है, नहीं, तो ये सब हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, समझ में आया? ये सर ये समझ में आया? बहुत देर तक प्रेस किया, इज दिस अंडरस्टूड? ये जो हम लोग का ऐसा यूनिट है उसका सिंबॉल है, चला तो टाइम का क्या आएगा? फोर्थ वन की तरह सेकंड स्पीक में भी 4, 5, 6, 7 लिख देता। यस, तो यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड्स नहीं लिखेंगे, याद रखो 30 सेकंड्स लिखना सही है या 30 सेकंड लिखना सही है? सेकंड। यस, ये सही है, ये गलत हो गया। तो यूनिट में हमेशा प्लूरल नहीं लिखना। यस, देखो सेकंड केल्विन एम्पियर कैंडेला, कैंडेला भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, सीडी स्मॉल और मोल। यहां तक कोई डाउट है? सर व्हाट इज द थिंग विद मोल? हां वो भी बताया। यस, 2 मिनट। अब ये देखो मीटर, अब इसको कभी कभी अमेरिकन इंग्लिश 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 उसके ऊपर डिपेंड, ये इंग्लिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश, वो भी एक वो दोनों सही है। कोई कोई सोचता है कि सल्फर ऐसा लिखा सर ने, गलत लिखा, ये स्कूल में लिखते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अमेरिकन इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश इंग्लिश इंग्लैंड। तो वैसे ही मीटर भी तुम देखोगे कभी कभी, मीटर को कभी कभी हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये कौन सा इंग्लिश है, ये इंग्लिश इंग्लिश है या अमेरिकन इंग्लिश, दोनों सही है, डिपेंड्स। किलोग्राम ये क्या है? किलोग्राम ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? केल्विन। ये क्या है? एम्पियर। ये भी ऐसा यूनिट ही है, सिंबल फॉर्म, और ये पूरा यूनिट लिखा, ये कैंडेला, ये मोल। अब देखो मोल क्या है वो देख लेते। सो मोल तुम्हें नहीं था स्कूल में, यस, तो नया है। तो देखो मास मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किलोग्राम। लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मीटर। टाइम मेजर करने के लिए क्या करते हैं? सेकंड। क्या टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करते हैं? केल्विन। करंट मेजर करने के लिए क्या करते हैं? एम्पियर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए क्या करते हैं? कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या करते हैं? मोल। अब देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? जैसे सोचो अगर आम का सीजन चल रहा है आजकल, मान लो अभी तो खत्म हो गया है, पर थोड़े दिन पहले आम का सीजन था, तो हम लोग 1 डजन आम लाते हैं कि नहीं करते? हाँ है ना। हाँ सर। 1 डजन मैंगोस, हाउ मेनी मैंगोस? डजन। 12 मैंगोस। समटाइम्स वी रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट, समझ रहा है? लेट अस से ऑरेंजेस लेने गए, तो ऑरेंजेस किलो में मिलेंगे या डजन में मिलेंगे? किलो। डजन में ज्यादा। तो मम्मी के साथ मार्केट में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ऑरेंजेस ज्यादातर किसमें मिलते हैं हम लोग को? डजन के, किलो में थोड़ा कम मिलता है। यस, बनानास लेने जाएंगे तो कौन सा, डजन में मिलता है या वीक डोज में मिलता है? डजन। तो एक अच्छा यूनिट है कि नहीं डजन, 12 चीजों को दिखाने के लिए, है ना? हाँ सर। तो समटाइम्स वी नीड सम अदर काइंड ऑफ यूनिट, किलो हम लोग नहीं करना चाहते, के लेवल का वजन कितना है वो नहीं जानना चाहते, हम लोग डजन के हिसाब से लेना चाहते, संतरा है हम लोग को डजन के हिसाब से लेना है, ऐसा।
समटाइम्स वी नीड अ नंबर एज अ यूनिट, है ना. तो देखो अब मोल जो है ये भी क्या है, डजन जैसा ही है. वन डजन कितना होता है जल्दी बोलो, 12. तो वैसे ही वन मोल कितना होगा, ऑलमोस्ट 6 × 10⁻². कितना है वन मोल जल्दी बताओ. 6 × 10⁻². एग्जैक्टली स्पीकिंग इट इज 6.022 × 10⁻². बट ठीक है, ऑलमोस्ट 6.022 को मैंने 6 बोल दिया. 6 × 10⁻², अप्रोक्सीमेट. तो बताओ एक डजन मैंगो कितना मैंगो, 12. एक मोल मैंगो कितना मैंगो, 6 × 10⁻². वन डजन पेन कितना पेन, 12 पेन. वन डजन पेन, वन मोल पेन कितना पेन, 6 × 10⁻². ये इतना बड़ा नंबर होगा क्या मैंगोस का, पेन्स का, किसी का होगा क्या इतना बड़ा? नहीं, इट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, है ना, 10⁻². तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मोल जो है, मोल ये बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं. When we have a big collection of objects, big collection of objects, like something like shipment or something. No. उसे shipment भी नहीं होगा, कि shipment भी इतना सारा नहीं होता कभी. It is only used for what, atoms. Okay. Number of atoms, number of molecules, number of ions. इस तरह के species. समझ में आ रहा है? जहाँ पे हम लोग air है, मान लो इस कमरे में कितना हवा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा atoms है, बहुत ज़्यादा molecules है. इसलिए हम लोग बोलेंगे एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, दो मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है. समझ में आ रहा है? तो मोल इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वन मोल ऑक्सीजन, टू मोल ऑक्सीजन, वन मोल पानी, दो मोल पानी, उतने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के. समझाए? यस. तो ऐसा मोल का कॉन्सेप्ट है. वन मोल इज हाउ मच, 6.022 × 10⁻². क्लियर है मोल का आइडिया? हाँ सर. ओके, तो ये हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, उसका सिंबल हो गया, उसका एसआई यूनिट हो गया. अब हम लोग आते हैं, ये बाद में तुम देख लो. ये मीटिंग कहाँ हुआ था, फिर से हम लोग याद करते हैं, पेरिस में. पेरिस में जो मीटिंग करने का रीजन मेन था, वो घूमना था या मीटिंग करना था? हाफ ऑफ बोथ. यस, मीटिंग तो बहाना है, समझ रहे, मेन काम तो घूमना था. समझे? तो लोग जल्दी से निकल गए, रैपअप करके निकल गए, चलो जाने दो, अगले दिन देखेंगे. जस्ट तो निकल गए. तो पहले दिन उन्होंने इतना ही किया, इतना ही मीटिंग में किया, चलो ठीक है, ये यूनिट्स है, और मीटिंग खत्म हो गई. फिर उसके बाद उनको कई दिनों बाद याद आएगा कि क्या हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज भूल गए. क्वांटिटीज को उन्होंने क्या नाम दिया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. क्या नाम दिया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सप्लीमेंट, जैसे एग्जाम में हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं कि नहीं, मेन शीट खत्म हो गया तो हम लोग क्या लेते हैं, सप्लीमेंट, है ना. तो उन क्वांटिटीज को उन्होंने बोला, जो सेकंड मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किए, उनको क्या बोला, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, बट उनको क्या बोला, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. जैसे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो डिग्री में तुमने पढ़ा स्कूल में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, दिस इज प्लेन एंगल. इसका हम लोग का ऐसा यूनिट है रेडियन. सुना है ऐसा कभी? हाँ सर. फिर दूसरा क्वांटिटी हमारे पास होता है सॉलिड एंगल. जैसे अगर आइसक्रीम का कोन ले लो, आइसक्रीम का कोन, उसमें 3D एंगल बनता है कि नहीं, इधर बीच में, हाँ सर, 3D एंगल है. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल. इसका यूनिट है स्टेराडियन. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तो इसका टेंशन लो ही मत, सिर्फ नाम याद रखना है बस. सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, उसका कैलकुलेशन हमारे इसमें नहीं है सिलेबस. इज इट अंडरस्टूड? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सा है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. दीज आर ऑल्सो द फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन ये सेकेंड मीटिंग में हुआ था, इसलिए इनको क्या नाम देंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. अब इसके जिंदगी में इतने क्वांटिटीज से हमारा काम चलेगा क्या? 9 क्वांटिटीज जो हम लोग ने डिफाइन किया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, या और भी जरूरत पड़ेगा? पड़ेगा और भी पड़ेगा. जैसे सोचो मैं कार में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, तो उसका स्पीड इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना? उसका वेलोसिटी इम्पोर्टेंट है कि नहीं, उसका एक्सीलरेशन इम्पोर्टेंट है कि नहीं, उसका फोर्स इंजन का इम्पोर्टेंट है कि नहीं, उसके अंदर जो इंजन है उसका प्रेशर गैस का कितना लगा रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, मोमेंटम इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना.
इंजन कितना वर्क कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, इंजन का कितना काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट है, ये सब डेंसिटी कितना है किसी सब्सटेंस का, ऑल दीज क्वांटिटीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इम्पल्स करके नया क्वांटिटी आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे क्वांटिटीज जिंदगी में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैंने कुछ ही लिखा है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डेंसिटी, इम्पल्स. पर इसके अलावा भी बहुत सारा रहेगा, चार्ज इम्पोर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा होगा, है ना. तो वेरियस क्वांटिटीज के मैग्नेटिक फील्ड इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पोर्टेंट है, चालू ही रहेगा ऐसे, बहुत सारे क्वांटिटीज जिंदगी में इम्पोर्टेंट. तो इन क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज. व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज, कौन सा क्वांटिटी, फिजिकल या नॉन फिजिकल? फिजिकल. इस फिजिक्स में हम लोग फिजिकली पढ़ेंगे. द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, In terms of fundamental quantities. In terms of fundamental quantities. Are called as derived quantities. Are called as derived quantities. समझ में आया? वो quantity जो कि क्या हम लोग एक्सप्रेस कर सके इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज व्हाट, डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब देखो ये कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब एग्जांपल लेगा तो इजीली समझेगा. ये डेफिनेशन ऐसे लिख दिया गलती से, कभी आ गया तो देखो पहले मैं एग्जांपल लेता है, समझते हैं फिर बाद में डेफिनेशन पे वापस आते हैं. तो फर्स्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पीड. व्हाट इज द स्पीड? फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. इज डिस्टेंस अ फंडामेंटल क्वांटिटी? हाँ, क्योंकि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं? यस और नो? इस टाइम अ फंडामेंटल क्वांटिटी? यस. सो कैन आई एक्सप्रेस स्पीड इन टर्म्स ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज? यस. हेंस स्पीड विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी. तो अभी समझ में आ गया डेफिनेशन. द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड. सेकेंड एग्जाम्पल वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है कि नहीं? हाँ. टाइम क्या है? टाइम फंडामेंटल. तो ये भी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी. समझाइए, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में हम लोग ने वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया. तो वेलोसिटी का बिकम्स व्हाट? Derived. And speed is also what? Derived. And it is expressed in terms of nine fundamental quantities. So you take any damn physical quantity, कोई भी ले लो, force ले लो, acceleration ले लो, angular velocity ले लो, torque ले लो, बहुत सारे quantities आएंगे. इन नौ fundamental quantities के basis पे हम लोग इनको express कर सकते हैं. Of these nine, clear है? Any quantity can be expressed only in terms of these nine quantities. समझाइए. तो इसीलिए क्या हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है. समझा? कोई भी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते. तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब समझ गया? यस. ओके. तो अब बहुत सारे क्वांटिटीज हम लोग वापस लिख देते हैं जो पहले लिखा था. पहले डिस्टेंस लिखते हैं. First quantity is what? Distance. Second quantity is what? Displacement. Third quantity is what? Speed. Fourth quantity is what? Velocity. Fifth quantity is what? Acceleration. Sixth quantity is what? Force. Seventh quantity is what? Area. Next quantity goes what? Volume. Okay. So let us see these quantities. पहले इतना लिखते, फिर अगले पेज में और continue करते. क्वांटिटीज का कमी है क्या हमारे पास? नहीं. एन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो इनका एक एक का हम लोग यूनिट देखेंगे. यूनिट ऑफ ईच क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी, वो बाद में देखेंगे. डायमेंशन
पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, यूनिट लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कुछ बता सकते हो? डिस्टेंस इज स्पीड अपॉन टाइम। नहीं वैसे नहीं, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है ही नहीं एक तरह से। क्या एक तरह से सोचा जाए डिस्टेंस तो एक बेसिक क्वांटिटी है कि नहीं। तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, है ना? हाँ सर। इसका कोई फॉर्मूला ऐसे खास नहीं बोल सकते। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका भी कोई खास फॉर्मूला नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन, ये सब बेसिक फॉर्मूला, ये सब आना ही चाहिए, याद रखना है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया का फॉर्मूला, साइड स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला, साइड क्यूब। ये क्यूब के हिसाब से बता रहे हैं, स्क्वायर और क्यूब के हिसाब से। सर्कल रहेगा तो पायर स्क्वायर आ जाएगा, है ना? एंगल रहेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा, राइट एंगल के लिए। तो वैसे ही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रहेगा तो 4/3 पायर क्यूब हो जाएगा, बट ये क्यूब के हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे अलग तरह का फॉर्मूला लिख देते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? है ना? फिर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर है? एफ इज एम ए, एरिया इज साइड स्क्वायर, वॉल्यूम इज एल क्यूब। डन, समझाइए? यस। अब थोड़ा यूनिट पे बात करते हैं, ये तो हम लोग ने फॉर्मूला ऐसा मैथमेटिकली लिख दिया, अब यूनिट का बात करते हैं। किसका यूनिट? ऐसा यूनिट का बात करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा? यस, ऐसा यूनिट क्या है? तो देखो इसका है मीटर, इसका है सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्या आएगा यूनिट? मीटर पर सेकंड। इज इट ऑल क्लियर? हाँ सर। यस, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, टाइम इज मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना? हाँ सर। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लो, इनिशियल वेलोसिटी यूज, इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं, है ना? इसको जीरो ले लो थोड़ी देर के लिए, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया कि नहीं, है ना? हाँ सर। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? ऊपर लिखा है मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, है ना? इसका ये, इसका ये, दस वालों वापिस देखो, नहीं समझे? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लो, तो वेलोसिटी का क्या यूनिट आएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इस मीटर पर सेकंड, तो न्यूमरेटर का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। यस, मीटर पर सेकंड। अब फोर्स का यूनिट देखते हैं, मास का यूनिट क्या है? मास किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर निकाला था। मास का यूनिट क्या है, वापस बताओ? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट हुआ? फोर्स का, है ना? इसको हम लोग न्यूटन बोल देते हैं, किसके ऑनर में? साइंटिस्ट न्यूटन के ऑनर में, जिन्होंने फोर्स पे बहुत काम किया, इसलिए हम लोग साइंटिस्ट न्यूटन के ऑनर में क्या बोलेंगे? क्लियर है ये? यस। एरिया का क्या आएगा? साइड स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर क्यूब। क्लियर? यस। कैसा यूनिट होगा? ये फॉर्मूला हो गया एक तरह से, दिस इज व्हाट फॉर्मूला। और ये लास्ट में हम लोग लिख देंगे डायमेंशन। अब डायमेंशन जो है हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक, तो वो बाद में देखते हैं, पर इधर तक सब समझ में आ गया? हाँ सर। यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम के बाद अगला क्या है? डेंसिटी।
अगला प्रेशर लिख देते हैं, वर्क लिख देते हैं, चाहिए तो फोर्स से लिखते हैं, फोर्स फोर्स पीछे भी लिखा है यहाँ भी लिखो, फिर प्रेशर लिखो, वर्क लिखो, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, डेंसिटी, फिर मोमेंटम, मोमेंटम में नहीं लिखा, बस इतना काफी हो गया तो स्टार्ट विद इंपल्स, इंपल्स बाद में लिखो। यस, तो देखो ये सब क्वांटिटीज का हम लोग यूनिट निकालेंगे, फिर से जो पेज पीछे किया सेम वही है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एमवी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो स्कूल में पढ़ा है वो है mgh, पढ़ा रहेगा तो पढ़ा है सब, हां सर, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मोमेंटम को स्मॉल पी लिखते हैं व्हिच इज मास इनटू वेलोसिटी, समझे, यस, ऐसा है। अब देखो ये हो गया, अब इसका यूनिट देखते हैं, तो फोर्स का देखो मैंने पहले ही बताया न्यूटन, एंड तो प्रेशर का क्या आएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट क्या है, तो न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, वर्क का क्या आएगा, फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर आएगा कि नहीं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, जूल, ये किसके साइंटिस्ट के ऑनर में, जूल साइंटिस्ट, जूल के ऑनर में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जूल, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं JOUL, पहले मैंने बताया आया ना, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, तो वर्क और एनर्जी का एक ही आता है कि नहीं, यूनिट है ना, वर्क एनर्जी आर इक्विवेलेंट, इसका भी क्या आएगा, जूल, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, इसका भी क्या आएगा, जूल, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या आएगा, केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर, समझाइए, यस, और मोमेंटम का क्या आएगा, मास का केजी, वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड, है ना, हां सर, मीटर, यस, सो दीस आर वेरियस यूनिट्स, यूनिट्स निकालने आप सबका आ गया, हां सर, Yes, तो कोई भी मैंने तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया तो तुम्हें यूनिट निकालने आना चाहिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिख के दिया, F is g m1 m2 upon r square, ये देखा है कि नहीं, g is gravitational constant, F is force, m1 m2 are masses, r is distance, तो यहाँ पे अगर मैंने तुम्हें पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ g, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, निकाल सकते हो, सोचो निकालो, G is equal to F. F multiplied by R square upon M1, M2 is equal to G. Hello. Yes, Aya. Hello. हाँ बोलो आ जा, हाँ, I was saying F multiply by R square upon M1 M2, बराबर, yes, so this will be the first step, yeah, second step unit कैसे निकलेगा, this F forces Newton, force का Newton बताया ना अभी, yes, and distance का क्या आएगा, मास का क्या आएगा, केजी, यस, तो जी का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं, यस, तो लाइक दिस विल गेट द यूनिट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्लियर है, यस, तो ऐसे ही अगर मैंने लिखा फोर्स इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे ये कूलम्स लॉ बोलते हैं, इसको चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, सुना ऐसा, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, उसका सिंबल क्या है, सी, तो यहाँ पे के का यूनिट क्या आएगा, इसको बोलते हैं, यस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट के, इसका यूनिट क्या आएगा, ऐसे आएगा कि सेम लाइंस है ना, सेम, कूलम्स लॉ के इक्वेशन में कांस्टेंट है, इसलिए इसको कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं,
फोर्स का यूनिट क्या आएगा फिर से न्यूटन, डिस्टेंस का क्या आएगा मीटर, चार्ज का क्या आएगा कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो के का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना? यस सर। यस, ऐसा हम लोग का ये यूनिट निकालने का तरीका। सो दिस इज हाउ वी फाइंड व्हाट वेरियस यूनिट्स। तो कुछ हार्ड वर्ड तो नहीं लगा इसमें? नहीं सर, इतना कुछ नहीं, सिंपल ही। तो यूनिट निकालना, अब देखो डायमेंशन निकालना भी इतना ही सिंपल है, डायमेंशन वर्ड पर ध्यान मत दो बस। तो आप दो मिनट इधर देखो, स्पीड जो है, स्पीड का फॉर्मूला बताओ मेरे को। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? डिस्टेंस इज लाइक मीटर। लेंथ। डिस्टेंस कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ। यस और नो? अपॉन टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम हुआ कि नहीं, तो एल अपॉन टी हुआ कि नहीं? इसको मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा कि नहीं? इसको मैंने ऐसे लिखा तो चलेगा? हाँ, यस और नो? अभी सेकंड, फिर ऐसे ही फिर से और एक बार करना है। वेलोसिटी फॉर्मूला जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इट अ लेंथ, है ना? हाँ सर। अपॉन टाइम एल अपॉन टी, तो एल अपॉन टी हो गया। तो फिर से ये L1 upon T1 हो गया, तो फिर से ये L1 T raise to minus 1 हो गया, ऊपर जाएगा तो minus 1 हो जाएगा, है ना? है ना? यस, जल्दी बोलो, है ना? Actually, acceleration का formula है V minus U upon T, U को zero मान लो थोड़ी देर के लिए, तो V upon T हो गया, yes or no? Yes, velocity upon velocity का क्या है? LT minus 1 है कि नहीं? अपॉन टाइम को मैं टी लिखेगा तो चलेगा कि नहीं? हाँ। अगर टी रेस्ट टू वन लिखा तो भी चलेगा कि नहीं डिनोमिनेटर में? हाँ सर। अब ये ऊपर जाएगा तो टी रेस्ट टू माइनस टू हो जाएगा। हाँ। तो हो गया, क्लियर है? हाँ। है ना? हाँ सर। फिर फोर्स देखते हैं। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। मास मतलब एम लिखा हम लोग ने फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक्सीलरेशन अभी अभी हम लोग ने निकाला, क्या है? L1 ऐसे लिखा तो चलेगा कि नहीं? यस, यही मैं वापस और एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। स्पीड, अब इस बार लेकिन मैं नहीं बताएगा, तुम बताओगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर्स और लेंथ अपॉन टाइम। एल वन इज टी माइनस वन। ये बराबर है कि नहीं? हाँ ना? हाँ सर। अब नेक्स्ट तुम फिर से बताओ, सेम लाइंस। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू एल वन अपॉन टी वन व्हिच इज इक्वल टू एल वन टी माइनस वन। थर्ड तुम बताओ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू अपॉन टी, दैट्स वेलोसिटी इज एल वन टी माइनस वन। अगला तुम बताओ, फोर्स। फोर्स इज एम ए, मास इज एम एन एम वन, एक्सेलरेशन का ऊपर डेनिटरी। एक्सेलरेशन का यहाँ लिख दिया, समझे? हाँ सर। अब ये खुद से पूरा बताओ, नया क्वांटिटी ये बताया नहीं तुमने, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास मास इज एम वन, वेलोसिटी इज एल वन टी माइनस वन। समझाइए, कुछ हार्ड लगा इसमें? नहीं सर। सिक्स क्वांटिटी प्रेशर। प्रेशर यहाँ लिख देता मैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अभी अभी तुम्हें याद नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ तुम्हें याद हो जाएगा क्या आएगा पीछे। और एरिया का क्या आएगा? साइड स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर। तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं? ये एल वन, ये टू, तो टू ऊपर जाएगा तो माइनस वन होगा, माइनस टू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? सॉरी। डेंसिटी का बताओ अभी खुद से। डेंसिटी, डेंसिटी इज पहले डेंसिटी से पहले एरिया बता दो, सिंपल। एरिया एल स्क्वायर, तो एल इज वॉल्यूम, इज
सेम टू सेम ही रहेगा। डेंसिटी बताओ। डेंसिटी डेंसिटी m अपॉन v, दैट इज m क्लियर है इज ना? l। हाँ यस। चार्ज बताया मैंने, चार्ज। इसके लिए थोड़ा तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। I इज क्यू बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना? अच्छा चार्ज क्या आएगा? I इंटू टी। आई इंटू टी अच्छा आई I करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो चार्ज का क्या आएगा? I1 T1। ओ सो क्लियर? यू व्हाई डू वी प्रोड्यूस वन एंड ऑल यस। वो देखेंगे, पर ये सब बराबर है कि नहीं? वन डालने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर एक्स वाई स्क्वायर है तो इसको मैं X1 Y2 लिखा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर मैथमेटिकली इट इज करेक्ट सर, है ना? या उसका यस सर रीजन हम लोग देखेंगे बाद, पर यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर यस। तो यहां तक समझा? तो देखो, इसी बेसिस पे हम लोग सब यहाँ पे लिख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा वैसे? L1। L1 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों का L1 आएगा कि नहीं? हाँ, है ना? L1 सॉरी, स्पीड है ना? स्पीड का क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सेम बस L1 ये आएगा बराबर है। L1 T minus one एक्सेलेशन का ऐसा आएगा बराबर है कि नहीं? फोर्स यस का M1 L1 T-2 बराबर है कि नहीं? हाँ सर मास इनटू एक्सेलेशन, जो ऊपर एक्सेलेशन का वो भी आएगा और मास का m आ गया, है ना? हाँ m स्टैंड्स फॉर द मास एंड एक्सेलेशन के लिए L1 T-2। सर एरिया का एल स्क्वायर आएगा, एल एल टू स्क्वायर उसका भी एल टू एल थ्री बोलेंगे। अब तुम मुझे बताओ, फोर्स का क्या आएगा यहां से? सोच के बताओ, थोड़ा फोर्स का याद करने में डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में। m upon a that is meter फोर्स का क्या था? ML T-2। क्या था? mLT क्या ml सेम आएगा एंड एक्सेलरेशन का तो डिस्टेंस का L, डिस्प्लेसमेंट का भी L। डिस्टेंस का क्या है? l L। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या है? L। डिस्टेंस का भी L, डिस्प्लेसमेंट का भी L, और वेलोसिटी का LT-1, वेलोसिटी का स्पीड का, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ML T-2। यहां तक समझ में आया? फोर्स तो फोर्स का क्या बताओ मेरे को? का m LT हाँ क्लियर है? सर यस। प्रेशर का क्या है? सेम अभी फोर्स का हमने तो ढूंढा वो पूरा एंड अपॉन l अपॉन ही वो साइड किया जाएगा L1 T-2 अपॉन मीटर स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, हाँ, है ना? हाँ सर बराबर है कि नहीं? वर्क हाँ मैं लाइक मेरी गलती थी मैं एक्सप्रेशन का का तो बताओ, सोच के बताओ। तुम्हारे पास ऊपर से एफ लिखा हुआ है, सोच के बताओ। एस लाइक जूल का कुछ कितना यूज कर अलग सकते हो हुआ तुम फोर्स का? हाँ तो फोर्स का पूरा यूज करके बाद में डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा? एल, है ना? हाँ अब एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर है? बराबर L2 हाँ है कि नहीं? सर यस। काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा? हाफ का कुछ नहीं आएगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं आता। मास का क्या आएगा? एम। वेलोसिटी M1 स्क्वायर, वेलोसिटी का LT-1 था, हाँ, है ना? हाँ सर तो उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? बराबर है कि नहीं? हाँ सर बराबर है कि नहीं? हाँ, है ना? हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी का MgH। मास का क्या है? m। M एक्सेलरेशन का क्या है? L1 T-2, हाँ, है ना? हाँ हाइट का L। तो इसका भी L इंटू L L स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? हाँ, है ना? सर MGH का फुल फॉर्म है क्या क्या? MGH का फुल फॉर्म है व्हाट इस मास, देखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या है? एम
mgh. M is mass, acceleration due to gravity, h is height. मास का क्या आएगा डायमेंशन बताओ, m आएगा कि नहीं? m हाँ. एक्सेलरेशन का मैंने क्या बताया था? l minus 2 है ना? है ना? हाँ सर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी सेम आएगा कि नहीं? एल टी माइनस टू. और हाइट का क्या आएगा? एल. अब इनको मल्टीप्लाई किया तो एम एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू हो जाएगा कि नहीं? तो एम वन एल टू टी माइनस टू करेक्ट है. हाँ सर. तो पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो या वर्क हो, सबका सेम ही आएगा ऊपर वाला, समझाइए? क्योंकि वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, समझाइए? ये समझा क्या ये? हाँ. डेंसिटी का बताओ मुझे. m अपॉन m वेलोसिटी का होल. वेलोसिटी नहीं है, मीटर क्यूब. वॉल्यूम है, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का l क्यूब, समझा क्या? ये वॉल्यूम है, हाँ है ना? हाँ. मास का m, वॉल्यूम का l क्यूब. तो m l रेस्ट टू माइनस थ्री, क्लियर है? यस. Yes. तो हार्ड लगा ये कुछ, तो मोमेंटम का बताओ तो मैं मान लेगा तुम्हें समझ गया ये पूरा. तुमसे पूरा बताओ, मास इन वेलोसिटी L1 t minus 1. जोर से बोलो फिर से. m1 l1 t minus 1. बस दैट्स इट. अब तुम्हें ये आ गया कि नहीं, स्क्वायर वाला ब्रैकेट वाला सब कुछ? हाँ है ना? हाँ सर. यस. तो इसी को बोलते हैं डायमेंशन, समझाइए? ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना डायमेंशन, ये जो निकाला हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये सब क्या है? डायमेंशन. डायमेंशन हार्ड था क्या? अब इसमें डायमेंशन क्या बोलेंगे, देखो इसको रीड कैसे करेंगे, हाउ विल वी रीड? Yes, ये कौन सा क्वांटिटी था जल्दी बताओ, ये किसका डायमेंशन निकाला हम लोग ने? दिस इज डायमेंशन. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो यू विल आंसर दिस आंसर, समझाइए? एम वन एल टू टी माइनस टू, इज इट अंडरस्टूड? यस. ऐसा है. तो देखो अभी how will we read this? If I ask you to write, you will write like this. Is it understood? But if I ask you to tell potential energy dimension, so you will say the dimensions of potential energy are one in mass. Is it understood? One in mass, two in length, and minus three in time. Is it minus two? The dimensions of potential energy are 1 in mass, 2 in length, minus 3 in time. Clear? So minus 2 होना चाहिए ना? Minus 2, sorry. Yeah. Minus 2 in time. Is it understood? हाँ sir. Yes. तो ये simple सा चीज़ था dimension निकालना. बहुत hard लगा क्या? बहुत बच्चों को confusion होता है इसमें. But is it very very easy? Yeah. वापिस एक बार बताओ potential energy का dimension क्या है? mgh. That's वो तो फॉर्मूला होगा. डायमेंशन मास इन वन, वन इन मास, मास वन इन लेंथ एंड माइ टू इन लेंथ एंड माइनस टू इन टाइम. ओके. या यस. ये तो ऐसे निकाल. ये तो रीड करने का भी सीख लिया, लिखने का भी सीख लिया हम लोग. पर फिर भी हम लोग को एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर हम लोग को ऐसे सोचता है. Examiner expects we write length first, then mass, then time. Is it understood? Length. Okay. So potential energy ka dimension kya hoga? L2 M1 T minus 2. Is it clear? Because sab mein fir L first likhne ka. Haan, LMT format. LMT format mein likhne ka. Clear hai? L, L, X, M, Y, T, Z. Clear? Yes or no? Haan, sir. Yes, okay. अब डेफिनेशन देखते हैं डायमेंशन का. डेफिनेशन भी कुछ ना कुछ होगा. यस और नो? या. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस? लेट मी फर्स्ट राइट द डेफिनेशन, देन वी विल अंडरस्टैंड. डायमेंशंस आर पावर्स
टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी डायमेंशंस आर पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू गेट द यूनिट ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी टू गेट द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. अब इसमें कुछ समझ में आया क्या? नहीं. अभी समझा रहे. तो देखो डायमेंशन क्या है. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं थोड़ी देर पहले? हाँ. वो तो तुमने बराबर आंसर दिया था. तो डायमेंशन है क्या, पावर्स है कि नहीं, टू इन लेंथ तुमने बताया, यस और नो? तो पावर है कि नहीं, यस और नो? डायमेंशन आर पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड, क्योंकि लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है ना. टू गेट द यूनिट ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट जो भी आएगा जूल व्यूल, तो जूल निकालने के लिए हम लोग को जो भी लगेगा वो यूनिट. जैसे सोचो अगर मैंने स्पीड का डायमेंशन पूछा, जल्दी बताओ, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम है एल वन टी रेस टू माइनस वन है ना, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? Yes. तो देखो डायमेंशन क्या है, पावर है. डायमेंशंस आर पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है ना. टू गेट द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, अब देखो मीटर का पावर वन है, सेकंड का पावर वन है ना, इसलिए लेंथ का पावर वन है और टाइम का पावर माइनस वन आएगा ओवरऑल. ऐसे लिखेंगे तो ऐसे आएगा एस टू माइनस. यूनिट आने के लिए, यूनिट आने के लिए जैसा हम लोग को डायमेंशन पावर लगाना पड़ेगा वो. जैसे एक्सेलरेशन बोला अभी, चेंज कर दिया मान लो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है बताओ? एल वन टी माइनस टू. यस, यूनिट 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 इज वी वी माइनस यू अपॉन टी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना. हाँ. यस. तो देखो डायमेंशंस आर पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेस्ड टू गेट द यूनिट ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी, समझाइए. ये दोनों डायमेंशन, दोनों का क्वांटिटी का डायमेंशन मतलब पावर है, ताकि ये यूनिट आ जाए, मीटर रेस टू वन, सेकंड रेस टू माइनस. दैट्स इट. क्लियर है? हाँ. इसको डेफिनेशन ऐसे हम लोग याद रखते हैं. अब इसके बाद आता है यूजेस ऑफ डायमेंशन. ये डायमेंशन तो हम लोग ने सीख लिया, बट इसका कोई यूज है क्या? तो फर्स्ट यूज क्या है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. एक इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है कि नहीं. जैसे काइनेमेटिक इक्वेशन स्कूल में पढ़ा हुआ है, यस और नो? इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये पढ़ा है कि नहीं स्कूल में? हाँ ना. यस. तो इज दिस अ करेक्ट इक्वेशन और नॉट? यस. ये दूसरा इक्वेशन भी पढ़ा है कि नहीं स्कूल में? हाँ ना. जल्दी बोलो. थर्ड ये भी पढ़ा है कि नहीं, एस इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर? नहीं पढ़ा है तो धीरे धीरे याद रखने का कोशिश करो, वो धीरे धीरे होते जाएगा. Yes. ये देखो अब करेक्ट है कि नहीं इक्वेशन, वो चेक करना है हम लोग को, चेक करना है ये इक्वेशन सही है कि नहीं. इफ इक्वेशन अगर करेक्ट रहना है तो डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स नीड टू बी सेम, समझाइए. फॉर इक्वेशन टू बी करेक्ट, या रादर बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट, फॉर इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स मस्ट बी सेम. समझ में आ रहा है? डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स मस्ट बी क्या? सेम. तो सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. जैसे देखो ये पहला टर्म लिया मैंने, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? माइनस वन है ना. यू इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी सेम डायमेंशन आएगा, या सॉल्व. एक्सीलरेशन का क्या है, प्लस मत डालो, ऑल टर्म्स तीन टर्म इसका डायमेंशन निकाले. एक्सीलरेशन का क्या है, एल टी माइनस टू है ना. एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या, जल्दी बताओ क्या है? आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली. किसका एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है? एल वन टी रेस टू माइनस टू है ना. इंटू टाइम का टी. सॉरी. यस. तो ये क्या हो जाएगा, एल वन टी रेस टू माइनस टू इंटू टी रेस टू वन, क्या हो जाएगा? टी रेस टू माइनस वन हो जाएगा कि?
are the dimension of all terms same? Yes. Is the equation dimensionally correct? Yes. Dimensions of all terms are same. Last में क्या लिखने का? Dimensions of all terms are same. Hence the equation is correct. Dimensionally correct. Yeah. Hence the equation is dimensionally correct. Hey, बहुत hard था. सिंपल सा बात है ना. अब सेकंड इक्वेशन देखो, v square is u square plus 2s. ये तो तुम खुद ही कर सकते हो अब, है ना? v square is equal to u square plus 2s. अब देखो v square is lt minus 1, तो यहाँ पे स्टेप वाइज लिखते हैं. अब देखो 2 का तो कुछ नहीं आएगा, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं है, मैंने बताया था. एक्सेलरेशन का क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज एल टी2 हां इनटू डिस्प्लेसमेंट एल. यस और नो? दैट सेकंड राइट, ये डिस्प्लेसमेंट का एल. या थर्ड टर्म का डायमेंशन इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, इसका अलग से, तीनों इक्वल आना चाहिए. तो देखो आ रहा है क्या सच्ची में? नहीं. पहले दो तो का आ गया है, यस और नो? एल टू एल एल स्क्वायर तो आ गया कि नहीं आंसर? हाँ ना. तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे और फाइनली क्या लिख देंगे? इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. थर्ड का भी अटेम्प्ट करो. एस का क्या आएगा? एल यू. यू का क्या आएगा? L1 t minus 1 है ना? U is initial velocity, पता ही है? नहीं. और time का t आएगा. और third term का क्या आएगा? Half का तो कुछ नहीं आएगा. Acceleration का क्या आएगा? This L minus t2. और t square का तो t square आएगा. Yes or no? है ना? हाँ sir. देखो acceleration का L1 t minus 2 और acceleration t square का तो t square ही आएगा. Yes or no? हाँ सर. अब इधर क्या हो जाएगा? L. Yes or no? L is equal to L1 t. ये पहले वाले टर्म का L आया. Yes or no? हाँ सर. अब t minus 1 t plus 1 कैंसिल हो जाएगा. L1 आ जाएगा. तीसरे टर्म का भी t minus 2 t plus 2 कैंसिल, L1 आ जाएगा भी. तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? सर ये सेकेंड टर्म का टी कैसे कैंसिल हो? यस, सेकेंड टर्म में पहले टी माइनस वन है और फिर टी है. हाँ. है कि नहीं? हाँ सर. टी माइनस वन को मैं वन अपॉन टी लिख सकता है इनटू टी. अब कैंसिल. ओके समझ गया. हाँ. ऐसा ही इधर थर्ड टर्म में टी माइनस टू वाला टर्म. देखो थर्ड टर्म में क्या है? टी माइनस टू इनटू टी. हाँ ना? हाँ सर. One upon t square into t square, which is one. Correct. Mm-hmm. Doubt है? Doubt है? हाँ सर. इस कोई doubt है तो बोलो पहले. कोई doubt है इसमें? इसमें तो नहीं. नहीं. Okay. तो तीन application. ये जो second दो formula है, what are those for? These two. Yeah. They are all kinematic equation. All these are what? Kinematic equations. V is u plus AT. Huh? V is equal to u plus AT is a formula for acceleration. No. See, kinematic equations करके concept होता है. पता ही है? We study this in what? Motion. Straight line motion. Motion in straight line पढ़ा है school में? नहीं sir. This car अगर मान लो एक car है, वो मान लो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा 3 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद? तो उसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज होते हैं. हाँ ना? तो स्कूल में ऐसा इक्वेशन पढ़ा है तुमने, v is u plus at. हाँ ना? T square is u square plus 2s, ऐसा देखा है कि नहीं? देखा है, but I didn't get.
तो इसको अभी देख लो, s is ut plus half at square, all these are kinematic equation. यहाँ पे जो पैरामीटर है वो उत्सव से हम लोग याद रखेंगे. कैसे याद रखेंगे? उत्सव. u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी. t मतलब क्या? टाइम. s मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट. a मतलब क्या? एक्सेलरेशन. v मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी. समझाइए, ये सब स्कूल के इक्वेशंस है, स्कूल में पढ़ाया सब. तुमने भी देखा रहेगा इक्वेशन, हाँ है ना? हाँ सर. यस. तो ये हम लोग बाद में अगले चैप्टर में और भी डिटेल में स्टडी करेंगे, पर ये समझ में आया? हाँ सर. तो ये तीनों इक्वेशन करेक्ट है और यही प्रूव हो रहा है हम लोग को यहाँ पे. देखो, वी हैव चेक द डायमेंशंस ऑफ ईच एंड एवरी टर्म आर सेम, हेंस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. यस और नो? हाँ सर. इधर समझ आ, ये तीनों एग्जांपल पूरा समझा कर देखो, है ना? हाँ सर. गॉट इट गॉट. यस. तो नेक्स्ट देखो, इसके लिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन. पहला एप्लीकेशन तो हम लोग ने देख लिया, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन, है ना? सेकंड सेकंड क्या है? टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना. टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, वन न्यूटन कितना डाइन्स होता है? इफ यू नो डाइन इज द सीजीएस यूनिट. फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है? नहीं. न्यूटन कौन सा है? एसआई यूनिट. वैसे ही वन जूल इज 10^7 अर्थ्स. पता है अर्थ्स इज द सीजीएस यूनिट, जूल इज द एसआई यूनिट, है ना? हाँ. एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? डायमेंशन. यस. तो देखो, अगर यही एग्जांपल लिया मैंने, वन न्यूटन इज हाउ मेनी डाइम्स? तो पहले बताओ, न्यूटन किसका यूनिट है? कौन सा क्वांटिटी है? फोर्स, है ना? हाँ. फोर्स का डायमेंशन क्या है? ये निकाला था हम लोग, यस और नो याद है? हाँ सर. यस यस. तो लेफ्ट साइड में भी फोर्स है, राइट साइड में भी फोर्स है कि नहीं? हाँ है ना? डाइन है तो भी फोर्स है, यस और नो? हाँ सर. तो दोनों का डायमेंशन तो सेम आएगा. अब यहाँ पे एक फैक्टर ढूंढना है हम लोग को, जहां पे हम लोग ऐसा यूनिट से किस सिस्टम में आ जाए, सीजीएस, यस और नो? ये नंबर क्या, कितना आना चाहिए? 10^5 आना चाहिए कि नहीं? मैंने बताया ऑलरेडी आंसर तुम्हें, 10^5 आना चाहिए, है ना? तो मान लो हमें नहीं पता के है, क्या है वो के? वी डोंट नो. सपोज मैं, मुझे नहीं पता न्यूटन से टाइम कैसे जाते हैं, 10^5 मुझे नहीं पता, तो मैं डिराइव करना चाहूँ तो कैसे करेगा? देखो, मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी है कि नहीं? बोलो जल्दी. हाँ सर. लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर. मीटर. टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड. सेकंड. मास का सीजीएस यूनिट क्या है? सीएम. सेंटीमीटर. नहीं सॉरी, ग्राम. ग्राम होता. ग्राम सेंटीमीटर. लेंथ का क्या है? सेंटीमीटर. और टाइम का एस रेस्ट सेकंड. सेकंड आएगा सेम. इसमें क्या कैंसिल होगा? सो ये एस सेकेंड. सेकेंड एस मतलब टाइम. बट टाइम का सीजीएस तो मिलीसेकंड हो जाएगा. नहीं नहीं, सीजीएस भी सेकंड ही होता है, टाइम का सेम ही होता है. ओके. मिलीसेकंड मिलीसेकंड नहीं होता. तो देखो, आप देखो, ये ग्राम है, ये केजी है. एक किलो में कितना ग्राम है? 1 ton. एक मीटर में कितना सेंटीमीटर है? ऐसा आ जाएगा कि नहीं? यस और नो बोलो. अब क्या कैंसिल होगा? ग्राम सेंटीमीटर कैंसिल होगा कि नहीं? हाँ. तो के का वैल्यू कितना आया? 10^5, है ना? 10^3 into 10^2, 10^5 आया कि नहीं? हाँ.
therefore 1 newton is how many times 10 raised to 5 okay ho gaya samajh mein yeah test to ye nikal diya ab aisa hi tum khud se kar sakti ho example 2 1 joule is how many ohms देखो फिर से जूल किसका एनर्जी एनर्जी का यूनिट है कि नहीं एनर्जी वर्क का यूनिट एनर्जी का यूनिट तो डायमेंशन क्या है डायमेंशन इज m1 यस और नो ये भी क्या है वर्क का ऐसा यूनिट cgs और ये वर्क का कौन सा यूनिट है ऐसा तो इसका भी सेम डायमेंशन आएगा यस और नो Yeah. और इधर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बोल दो तो मास को हम लोग क्या लिखेंगे केजी लेंथ को क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर टाइम को क्या लिखेंगे सेकंड मास को क्या लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर इन सेकंड है ना अब 1 kg कितना ग्राम है 1000 अब 1 meter कितना सेंटीमीटर है 100 अभी सेकंड रेस टू माइनस टू आएगा है ना या अब ये कैंसिल पहले ये अगले स्टेप में कर देते हैं 1000 अब ये 10^4 हो जाएगा ये है ना क्या कैंसिल होगा 10^4 कैसे सर 10^4 कैसे 100 स्क्वायर कितना आएगा 10,000 वही है 10^4 समझा ओके तो देखो ग्राम ग्राम कैंसिल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल यस और नो या सेकंड रेस टू माइनस टू सेकंड रेस टू माइनस टू कैंसिल तो के का वैल्यू कितना है 10^7 है ना ये सब लोग बोलो 10^3 इनटू 10^4 कितना आता है 7 तो 1 जूल इज हाउ मेनी आवर्स 10^7 इसको कैसे प्रूव किया समझाइए हां सर कोई डाउट है नहीं सर इस क्लियर हो गया अब नेक्स्ट क्या हम देख लेते हैं डायमेंशन का एप्लीकेशन 3 थर्ड एप्लीकेशन डायमेंशन थर्ड एप्लीकेशन में क्या है हमारे पास टू डिराइव रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज ये लास्ट टॉपिक है क्वांटिटीज जो दिया हुआ है उनके बीच में रिलेशन ढूंढने का यस तो दिस इज द लास्ट टॉपिक लास्ट यूज ऑफ डायमेंशन यस पहला तो समझा पूरा है ना थोड़ा फास्ट किया यस क्योंकि मैंने तुम्हें लिखने का टाइम नहीं दिया फिर यस थोड़ा फास्ट गया यस बट एज वी मतलब जैसे जैसे हम लोग गए आगे एक बार तुम्हें ये पूरा रिविजन करके तुम वापस लिख लो मैं तुम्हें ये पीडीएफ सेंड करेगा तुम वो पूरा लिखो तो फिर पूरा समझ में आ जाएगा तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज फिर भी डाउट है तो अगली बार पूछ लो हम लोग रिलेशन डिराइव करना चाह रहे हैं बिटवीन गिवन क्वांटिटीज जैसे क्या एग्जांपल के लिए कोई ले लो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन करके एक चीज होता है क्या होता है या तो सिंपल ले लो चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है हाफ एम वी स्क्वायर मान लो ये डिराइव करना चाह रहे हैं वी वांट टू डिराइव दिस फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी साफ है अभी पता है हम लोग को लेकिन फिर भी हम लोग डिराइव करना चाहते हैं लेट अस से काइनेटिक एनर्जी गिवन है काइनेटिक इट इज गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट डिपेंड्स ऑन मास है ना हां और दूसरा किस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी एंड वेलोसिटी तो हम लोग ने बोला काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेस टू x v रेस टू y ऐसा फर्स्ट स्टेप करने का समझाइए समझा गया तो ये x y is
ये निकालना है ना, जैसे सोचो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो m रेस टू 1 है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1, है ना। और वेलोसिटी का पावर क्या है, y है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, अपने आप आएगा, क्लियर है। हम लोग डिराइव करना चाहते तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे डायमेंशन, m1 l2 t माइनस टू, क्लियर है है ना, है ना, है ना, बोलो। यस। और मास का क्या आएगा, m ही आएगा, करेक्ट है। हाँ। वेलोसिटी का क्या आएगा, l1 t रेस टू माइनस वन, लेकिन वेलोसिटी का पावर क्या आएगा, माइनस वन y y तो ये क्या हो जाएगा, m रेस टू x, l रेस टू y, t रेस टू माइनस वाई, बराबर है कि नहीं। हाँ। ये हाँ, ये सॉल्व। हाँ सर। इधर तो कोई डाउट है? नो सर। अब देखो पावर दोनों साइड कंपेयर करो, x का वैल्यू क्या आएगा अगर कंपेयर करेंगे तो, x इज 1, l इज 2 एंड l नहीं y, y यस सॉरी x इज 1 यस, तो कंपेयरिंग x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू 2 यस। अब हम लोग ने जो फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, किसका निकालना चाह रहे हैं फॉर्मूला, किसका निकालना चाह रहे हैं फॉर्मूला, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखा है, m रेस टू x, v रेस टू y लिखा है कि नहीं, हाँ, तो m रेस टू x, v रेस टू y, x का वैल्यू कितना निकाला हम लोग ने, 1, आया ना, y का वैल्यू कितना निकाला, 2, काइनेटिक एनर्जी सम कांस्टेंट, लेट अस से c, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं, है ना, c इनटू mv स्क्वायर, है ना। अब एक्सपेरिमेंटली c का वैल्यू कितना आएगा, ये एक्सपेरिमेंट से आएगा, ये डायरेक्टली नहीं आएगा, हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, आई डिडंट गेट दिस, एक्सपेरिमेंटली मींस, किस बताएगा, मैं उसका टेंशन मत लो, पर वो एक्सपेरिमेंटली के अलावा बाकी सब समझ गया। हाँ। तो ये हम लोग ने पहला रिलेशन डिराइव किया, क्लियर है। या अब मैं दूसरा एक्सप्रेशन एग्जांपल ले रहा हूं, इसी सेकंड एग्जांपल, तो सेकंड एग्जांपल में किसका ले रहा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पता है तुम्हें, एक रस्सी ले लो और उसके नीचे एक वजन बांध दो और उसको ऐसे ऑसिलेट करवाओ, तो वो क्या होता है सिंपल पेंडुलम, जैसे देखो एक रस्सी है ऐसे ऐसे घूमेगा, वजन बांध दिया तो, है ना, उसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड कैसे निकालने का वो बता रहे, और एक लास्ट एग्जांपल अगले पेज पे तुम करो, देखो एक सिंपल पेंडुलम लिया मैंने, है ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, यस और नो, यस, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा लाइक दिस, इज इट अंडरस्टूड, है ना, हां सर, यस। तो इसका लेंथ मान लो l है, रस्सी का लेंथ कितना है, l, और m इसका मास है, m क्या है, मास, ओके। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो फिर से वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया, पिछला इसमें, तो टाइम पीरियड वी नो एक्सपेरिमेंटली, ये गिवन होगा, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे, दो चीजों पे डिपेंड करता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली दिया है हम लोग को, क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन व्हाट एंड व्हाट, जल्दी बोलो, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशन, यस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस। तो देखो अभी अभी पहला स्टेप मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, थोड़ा सा फास्ट लिया है एक्चुअली, ये जो मैं आज टॉपिक कराया ना, दिस इज इन 3 लेक्चर्स, एटलीस्ट दिस टेक्स 6 आवर्स, समझे, जो हम लोग अभी यहाँ तक जहाँ पहुंचे ना, यहाँ पहुंचने के लिए नॉर्मल लेक्चर में 6 घंटा लगता है, बट हम लोग ने ये 1.5 घंटे में कवर किया, मतलब 4 गुना स्पीड पे चल रहे, समझे, 4 टाइम स्पीड है, थोड़ा फास्ट जा रहा है, बट समझ में आया तुम्हें,
हाँ सर सही यस, तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एल रेस टू एक्स जी रेस टू वाई, बराबर है कि नहीं? फर्स्ट स्टेप यहाँ पे भी यही था, यस और नो? एम हाँ रेस टू सर एक्स वी रेस टू वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो आप सोचो थोड़ा, टाइम का डायमेंशन क्या है? टी है, हाँ है ना? ठीक हाँ लेंथ का डायमेंशन क्या है? एल, हाँ है ना? लेंथ का तो एल होगा कि नहीं? हाँ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी का क्या होगा? L1T-2 और रेस टू पावर क्या आएगा? वाई। तो या एल रेस टू एक्स और यहाँ पे एल रेस टू वाई, टी रेस टू माइनस टू है, करेक्ट है? हाँ सर यहाँ पे टी रेस टू वन, यहाँ पे तो एल है ही नहीं, तो एल रेस टू जीरो लिखो तो कुछ गया तुम्हारा? नहीं अब कंपेयर करेंगे तो फिर से तुम मुझे बताओ क्या आएगा? नो X is 0 and T I mean नो Y नो is नो नो, कंपेयरिंग माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन, है ना? तो हाँ वाई कितना आएगा? Y will be बराबर है कि नहीं, कैसे ओके है ना? हाँ got it Y को I mean 2 को से भी राइट एक्स प्लस वाई जीरो है, तो हाँ एक्स इज माइनस वाई, तो एक्स इज ये माइनस ऑफ माइनस हाफ विच इज प्लस हाफ, है ना? है ना? बराबर एक्सेस है कि नहीं? सोचो, एक्सेस बराबर है? पक्का समझ रहा हो? है ना? बोलो जल्दी, हाँ है ना? नहीं सर ये ओके, तो आप पीछे जाते हैं, माइनस टू वाई इज वाई समझा, पहले हाँ ये समझा पूरा, हाँ सर ये समझा हाँ माइनस टू वाई इज वन बराबर है ना? हाँ सर वाई इज माइनस हाफ बराबर है, यस एक्स प्लस वाई जीरो बराबर है, एक्स हाँ इज माइनस वाई बराबर है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई हाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस हाफ बराबर है, क्योंकि वाई का वैल्यू मैंने माइनस हाफ पुट किया ऊपर से, या ऊपर वाई वाई इज माइनस हाफ ना, तो पुट किया, तो एक्स कितना आएगा? हाँ तो कुकी गार्डन देयरफॉर एक्स कितना है? हाफ। वाई कितना है? माइनस। क्लियर? हाँ राइट पक्का? हाँ सर यस। तो अब टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आया? एल रेस टू एक्स जी रेस टू वाई, करेक्ट? हाँ देयरफॉर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या आया? एल रेस टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है? हाफ। जी रेस टू वाई, वाई का वैल्यू कितना है? माइनस। -5 बराबर है? हाँ Therefore, टाइम पीरियड को मैं ऐसे लिख सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। तो चाहिए तो पहले एक स्टेप और करते हैं। स्क्वायर रूट मतलब रेस टू हाफ होता है, पता है? रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ लिख सकता है ना? मैथ्स में पढ़ा है ऐसा। हाँ क्यूब रूट ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं? एक्स रेस टू 1/3, है ना? रूट यस पावर ऑफ एक्स को ऐसे लिखते हैं। या तो इसीलिए मैं क्या करेगा यहाँ पे अगले स्टेप में, इसको ऐसे लिखेगा, बराबर है कि नहीं? तो हाँ सर देयरफॉर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल बाय जी, करेक्ट है? गॉट इट हाँ देयरफॉर टाइम पीरियड इज सम कांस्टेंट इनटू रूट ऑफ एल बाय जी, बराबर है ना? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दैट्स इट। या एक्सपेरिमेंटली सी का वैल्यू कितना आएगा? 2π। देयरफॉर फाइनल एक्सप्रेशन टाइम ये पीरियड का क्या हो जाएगा? लास्ट का जो टाइम बता रहा हूं, बता रहा हूं, यस। पर ये समझा तुम्हें? सिर्फ हाँ सी को छोड़ के बाकी सब समझ गया, क्योंकि हाँ सर ये तो एक्सपेरिमेंट से आया, तो ये तो ऐसे थ्योरी से बता ही नहीं सकते हम, समझे? इससे मैंने एक बताया ही मूवी नहीं। जगह हाँ में तो क्वेश्चन भेजी मैं थी बता रहा है, फिर भी कैसे करेंगे? देखो एक पेंडुलम लो, ओके, हाँ जिसका लेंथ कितना है? 1 मीटर। क्या लेंथ है जल्दी बोलो? वन ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आए, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके अब इस पेंडुलम को
एक नीचे बॉब अटैच करो, बॉब मतलब जो भी है, समझ रहे है? स्टोन वोन जो भी हाँ है, बॉल जो भी लेना। फिजिक्स में हम लोग इसको बॉब बोलते हैं। या अब इसको ऑसिलेट करवाओ, एक्सपेरिमेंट करोगे तुम, इसको ऑसिलेट करवाओगे ऐसे। ऑसिलेट करेगा कि नहीं ऐसे? हाँ है ना। हाँ सर तो यहां से निकल के वापस यहाँ आने को जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यहां से निकल के वापस यहाँ पे आने को जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम टाइम पीरियड पीरियड। एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं कि अगर 1 मीटर लंबा वायर, ये रस्सी है, तो इसको यहाँ जाके वापस आने को कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड। कितना टाइम लगता है? दो दूसरे सेकेंड ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। तुम खुद भी सोच सकते हो, एक 1 मीटर रस्सी लो, उसके नीचे पत्थर बांधो और पत्थर को इधर से उधर लेके जाने के लिए टाइम निकालो, तो 2 सेकंड के आसपास लगेगा कि नहीं आने का और जाने का मिला के? हाँ सर सोच सकता है इतना? एक्सपेरिमेंट से आएगा ये, हम लोग थ्योरी से बोल ही नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। 1 मीटर लंबाई रस्सी के लिए इतना होगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना? देखो हम लोग को एक्सप्रेशन फाइनल क्या निकला था, ये क्या निकला था? टी इज इक्वल टू सी रूट ऑफ एल बाय जी, एस और नो? हाँ ये निकला था कि नहीं? हाँ है ना। सर यस। अब इसके बाद हम लोग को टी का वैल्यू मिला, टाइम पीरियड कितना है बताओ? 2 सेकंड है कि नहीं? टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो। दो सेकेंड टी इज इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन मैंने डिराइव किया? ये टाइम पीरियड का हाँ वैल्यू टू कितना है? वैल्यू सेकेंड कितना है? 2। इस वैल्यू कितना जल्दी बोलो। अरे यस, 2 सेकंड। तो यस और नो? ग्लिच आ गया। अब सी का वैल्यू निकालना है, यस और नो? हाँ लेंथ ऑफ रस्सी कितना है? 1। लेंथ ऑफ रस्सी कितना है? 1। यस और नो? और जी का वैल्यू कितना है? 9.8। यस और नो? हाँ तो सी का वैल्यू कितना आएगा? 2√9.8। आई नो। हाँ सर यस। कैलकुलेटर अगर निकाला और √9.8 फाइंड किया तो कितना आएगा? 3.14 के आसपास। ओके कितना आएगा? 3.14। अब तुम्हें देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर हटा था, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर इसमें कैलकुलेटर है, रूट साइन देख रहे हैं हम लोग। रूट दिखा, रूट ऑफ 9.8 क्या लिखा मैंने? रूट ऑफ 9.8 दिखा, कितना आता है? 3.1304, मतलब 3.14 के आसपास है कि नहीं? हाँ है ना। हाँ सर हाँ पाई के आसपास है कि नहीं? पाई। तो हाँ रूट ऑफ जी कितना आता है? पाई आता है कि नहीं? राइट तो रूट ऑफ जी आ गया पाई। ओके, तो रूट ऑफ जी पाई आ गया, तो हो गया रूट ऑफ जी। रूट ऑफ 9.8 को क्या लिखेंगे? पाई। फाइव तो टू फाइव सी का वैल्यू कितना सेवन आया? 2 पाई आया। अब सी का वैल्यू पुट करेंगे इधर तो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं जो वहां लिखा है? फाइव या एक बात टू पाई रूट ऑफ एल बाय। एक्सपेरिमेंट कैसे करने का समझाइए। क्या सो बात यस। तो ऐसे हम लोग ये सब एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। साइंटिस्ट लोग ऐसे डिराइव करते हैं सब एक्सप्रेशंस। तो अंडरस्टूड, साइंटिस्ट सब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हाँ सर बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स। तो वो लोग ऐसा डायमेंशन यूज करते हैं। ओके यस। तो इज दिस फुली अंडरस्टूड?